है। हाँ सही बात है, ऑलरेडी ब्रांड है, नहीं वो तो गलत हुआ। मत प्रोडक्ट बनाओ, बड़ा गर्व कर दिया सारे हिंदू सनातन धर्म का तुम लोगों ने, बस करो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो ऐसा है कि टाइम हो गया 6:30 बज गया, ठीक है। तो सावन अभी डोर नॉक कर गया कि भाई उठो उठो उठो, तो उठ गया वो, मैं भी निखिल को भी उठाया, थोड़े थोड़े हम दोनों नींद में हैं, अभी हम फ्रेश वगैरह होएंगे ना आएंगे तो माथा टेकने जाएंगे दोबारा मंदिर में एक बार, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, बाकी मज़ा आने वाला आज, आज हम नैनीताल वगैरह घूमने वाले हैं, सारा कवर करने वाले हैं, एंटी वाला मंदिर और भी एक दो जगह है, हमें तो पता नहीं है, बाकी देखते हैं जीवन भी हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तब तक जब आता दी स्टे कनेक्टेड विद अस। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, तो निखिल कर रहा है नहाई नहाई, अब चलते हैं सावन के कमरे में, वो हो गया रेडी। नहीं सावन मैगमी खोलो, नहीं खोला है, दूसरा भाई नहा रहा है। सावन तू रेडी है? आंटी जी आप रेडी हो? बिल्कुल। चलो फिर हम जाएंगे अब आरती में बैठेंगे, निखिल नहा रहा है, निखिल 5 मिनट लगाएगा, रहने दे, आ जा फिर। हेलो गुड मॉर्निंग जीवन भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, जय श्री राम। जय श्री राम, ये हमारा दोस्त दूसरे ये जम्मू से फोटो लिया। हाँ अभी रात को की थी थोड़ी शॉपिंग। ये यूट्यूब में भी डाल देना, आगे दुकान कौन स्टैंड भंडार है, और 1921 की दुकान है, बाल मिठाई चॉकलेट सिंगोड़ी कुंवर मिष्ठान ग्रह। ये बाबा का भीड़ देखो, आरती स्टार्ट हो गई, मानते नहीं है पर तू बार बार मेरे मुंह में कैमरा करेड़ दे, तो मैं ये आखना चाहना कि अगर मंदिर आए दे हो तो ढंगे रहो, अगर मंदिर आए दे हो तो उसे काम करा करो जी, दो काम इकट्ठे करा करो। अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाहोगे सर? ये जो भाई जी ने बात बोली कि हम देख रहे हैं आजकल जितने भी पर्यटक हैं सब आते हैं, कोई भक्ति भाव से नहीं आ रहा, सब क्या बोलते हैं वीडियो बनाने आ रहे हैं, फोन निकाल निकाल के बस वीडियो ही बनाए जा रहे हैं, भक्ति भाव किसी में बचा नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये दिखावे की भक्ति रह गई है या सोशल मीडिया की भक्ति रह गई है, सच की भक्ति रह गई है। पर चलो हमें क्या है, जिसकी जैसे भाव, हम कौन होते हैं किसी को ज्ञान देने वाला, बट हमको लगता है कि अगर जैसे इंसान स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो जब वहाँ पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की जाती है, कोई फ़ोन उठा के व्लॉगिंग नहीं करता है, तो वैसे भी यहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे भी लोगों को आगे बस भक्ति भाव करना चाहिए, ऐसे उठा के फोन उठा के व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, इससे क्या होता है कि उस जगह की महिमा जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि लोग भक्ति भाव से नहीं फिर व्लॉगिंग भाव से आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये व्लॉगिंग जो कर रहे हैं तो इन लोगों की प्रचार की वजह से आज इतनी पब्लिक यहाँ पे जुड़ रही है, आपका तो वो प्रचार उनकी वजह से नहीं होता, प्रचार तो बाबा जी का अपना प्रचार है, तभी लोग आते हैं, लोग तब भी आते थे, आज भी आते और आगे भी आते रहेंगे, नहीं है भगवान को प्रचार। सवाल का जवाब यही है। हाँ सही बात है, वो तो एक ऑलरेडी ब्रांड है, नहीं अंदर तो अलाउड भी नहीं है मैम, अंदर खींचने नहीं देते, नहीं वो तो गलत हुआ। मत प्रोडक्ट बनाओ, बड़ा गर्व कर दिया सारे हिंदू सनातन धर्म का तुम लोगों ने, बस करो, बहुत खराब करते हैं हम लोग, मत कीजिए ऐसा, कोई प्रचार की कोई। सही बोल रहे हैं जी, सावन बाहर में भी खोल सकते हैं यार, फिर यहाँ आएंगे पार।
रूम में जब तुझे पता था चाबी अभी हमने नहीं देनी उनको, तो वहीं पे खोल लेते नंगे पाँव आ जाते। खोल के आ जाओ। जब तुझे पता था। सॉरी टू से बट बात ऐसी है, जो ये आंटी जी हमें ज्ञान दे रही थी ना, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे फोटोज खिंचा रही थी और कह रही थी मैं लास्ट ईयर भी आई थी। तो कहने का मतलब अगर फोटोज खिंचा रही है मेमोरीज के लिए, तो लास्ट ईयर तो इसने खिंचाए थे, तो हर साल एक उसको मेमोरीज की क्या जरूरत है। थोड़ी देर बाद इसने वीडियो बनाई वहां पे जो बाहर इसके रिलेटिव आए थे। कहने का मतलब बात यह है मेरी सिंपल सी की जो ज्ञान देना है ना वो आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत ही तो सबसे जो पुण्य वाला काम है ना वो ये बिल्डिंग के जो ओनर है वो कर रहे हैं, फ्री सेवा जूते चप्पल रखने की। तो जो सबसे पुण्य वाला काम है वो ये बंदे कर रहे हैं जहाँ पे प्रसाद बांट रहे हैं। तो हमारा सेवा ऐसी करो जो सीधा भगवान तक पहुँचाए, जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी ना वो बंदा लाखों पुण्य कमा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो दुकान के ओनर है मालिक है, जहाँ से हमने लाखों प्रसाद खरीदा, मतलब टोपी खरीदी, शॉपिंग की, हमने इवन उनसे पूछा एक बार जाके कि क्या हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए जूता चप्पल रखना रख सकते हैं, वो बंदे ने बोला हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं है। समझ रहे हो, उनको कस्टमर से लालच है, उनके पैसों से, कस्टमर के प्रति कोई दया भावना नहीं है। अब जो ये ऑनर होगा उसने मतलब जो दुकान की सामग्री है वो इतने कम स्पेस में बनाई है, लेकिन जूते के लिए देखो कितनी ज़्यादा स्पेस उन्होंने खाली छोड़ दी। तो पुण्य तो ये कमा रहा है। जो आहो नीम करोली बाबा ये ऑनर है, हमारी बुआ बाबा के सामने फरियाद है कि उन्हें सदैव सूखी रखें। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। ये मंदिर से थोड़ा सा नीचे ही शू चप्पल वाला स्टैंड है, फ्री सेवा है, तो जिसको जूता चप्पल खोलना वो यहाँ खोल सकता है। ये दिया इन्होंने मुझे चलाने के लिए, कह रहा है यहाँ घूमना जब तक तू ये वाला बाइक रख ले। अब मैं बोला छोड़। ये क्या मंगवाया, पूड़ी और पूड़ी भाजी? पूड़ी भाजी और वो क्या है, आलू पराठा, धनिया के पराठे, धनिया के पराठे, तो साथ में गधे के दूध की चटनी, गधे के दूध की चटनी, गधे के दूध की चटनी के साथ खाया तुम, गधे के दूध की चटनी साथ। नहीं अब हमने ऐसे कवर कर लिया ना टेस्ट करा गाइस, ऐसा है कि हम कर रहे हैं रूम से चेकआउट, निखिल ने मार दिया ताला, आंटी और हम चल रहे हैं। जय बाबा जी की। बाबा जी से आज्ञा लेके हम निकल पड़े, जीवन भी आ गया हमें लेने, चलेंगे आ रहे हैं। आ जाओ, चाबी दे रहे हैं ना, बस चाबी दे दो आप, गाड़ी वहाँ खड़ी आ गया आंटी, वहीं चलना पड़ेगा। हम चल पड़े हैं यहाँ से, 9:30 हो रहे हैं, तो जय बाबा जी की। छोड़ चले हम ये नगरी, फिर किस्मत में होगा तो दोबारा आएंगे, छोड़ चले ये नगरी। जय श्री राम, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय नीम करोली बाबा जी की, जय हो, जय श्री राम। जय माता दी, चलो जय बाबा जी की, जय श्री राम। चल पड़े हम देवभूमि बाबा की नगरी से, गुरुदेव के मंदिर से, मन्नत वाले मंदिर। अब हम जा रहे हैं घंटी वाले मंदिर में। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है घंटी वाला मंदिर? आपका 18 किलोमीटर। जय श्री राम। We'll be right back.
आज हम पहुंच गए हैं घंटी वाले मंदिर के बाहर। तो भैया जी हमें बता रहे थे यहाँ की मान्यता ये है कि आपको कोई भी मनोकामना अपनी मांगनी है तो एक अर्जी लगानी पड़ती है, पेन पेपर में लिखो, यहाँ से पेन पेपर मिल जाएगा, तो एक घंटी वगैरह चढ़ा दो और जो आपकी मनोकामना है वो मांग लो, और जब वो पूरी होगी फिर जो आपकी श्रद्धा होगी उस अनुसार आप कुछ भी यहाँ पर चढ़ा सकते हो। पैन एक भी काफी है, चार सबको एक ही सब अलग अलग एग्जाम तो अपना तो अर्जी हैं जो हम सब अपनी अपनी लिख रहे हैं, तो अर्जी दिखानी नहीं होती तो हमने भी अर्जी लिख दी है देव 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 जी के लिए। अभी हम यहाँ से घंटी लेंगे, अर्जी बांधेंगे और मंदिर में चढ़ा देंगे। यहाँ पे मान्यता है कि आपको अपनी अर्जी लिखनी है और घंटी से बांधनी है, पंडित जी आपकी नाम की फरियाद करेंगे आपके परिवार की, तो ये घंटी वो बांध देंगे और जब आपकी मनोकामना पूरी होगी तो मनोकामना पूरी करने आप यहाँ आ सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी होगा वो चढ़ा सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है ना, राम राम रटते रटते वो क्या है वो सामने, ये भीमताल, हम यहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, ले जाएंगे आपको भीमताल। इसकी स्टोरी क्या है इसके पीछे? इसमें ये शिव द्वारा भगवान द्वारा इसमें भीम के नाम की उपत्ति हुई, तब इसका नाम भीमताल। अच्छा अच्छा ठीक है। नैनीताल आप बोल रहे हैं उस पहाड़ी के पीछे? नैनीताल में पहुँचेंगे क्या? हाँ जाएंगे, आज ही रुकना है, आज नैनीताल ही रुकेंगे ना, आज स्टे नैनीताल। ठीक है आज हम नैनीताल रुकेंगे। आंटी जी अर्जी लिख रहे हैं, हमने अर्जी लिख ली है। टन 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 साउंड पहले यहाँ प्रवेश द्वार पहले मंदिर घूम लेते हैं पूरा जय बजरंग बली। ये देख सकते हो आप कितनी दुनिया कितनी घंटियां बांध के गई हैं। ये देख तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो इनकी मान्यता है कि वो जो यहाँ पे मन्नत मांगे फिर घंटी बांध के चले जाए तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। बांध रहे हो? अच्छा इसको नहीं होना वैसे पेंट, पेंट के लिए वो बोल रहे थे ये खुलेगा तो इसलिए यहाँ
हाँ हो गया, अच्छे से हो गए। देख लो कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ भूले तो नहीं। कुछ अब नहीं, चाय चाय वो कहाँ है? वो यहाँ से 4 किलोमीटर। अच्छा पास ही है, वहाँ पे क्या है? चाय की खेती। अच्छा यहाँ की मान्यता है किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा? हाँ, तो यहाँ टाक के जाता है मनोकामना और घंटी। हाँ। तो कोर्ट केस से भरी हो जाता है जी। आए हम नोकू चियाताल झील शिकारा बोट, 500 रुपये हाफ राउंड 30 मिनट, 600 रुपये हाफ राउंड 30 मिनट। लेक देखो कितनी खूबसूरत है, ये बोटिंग गाइस, ये है भीमताल लेक। हम आते वक्त अभी यहाँ आएंगे, हम पहले दूसरी लेक जा रहे हैं। नकुचियाताल। कौन सी लेक? नकुचियाताल। कमलताल नकुचियाताल, वहाँ जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, तो पहले वो देखेंगे, फिर वापसी में हम आएंगे रिटर्न आते वक्त भीमताल। ये देख सकते हो कितनी बड़ी लेक है। भीम का नाम इसलिए पड़ा, शिव भगवान द्वारा भीम के नाम की उत्पत्ति हुई यहाँ पर, इसलिए इसका नाम भीमताल भीमताल लेक बन गया। ठीक है ठीक है, बहुत ही प्यारी लेक है। थोड़ी देर में इसमें जाएंगे और झील का चक्कर लगाएंगे। खुश बहुत लग रहे हैं आप। सावन तूने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी है? क्योंकि मैं रील शूट कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, निखिल ऑल सेट गो, जान दे। चलो ठीक है अंकल जी, चले। अब देखो व्यू चेक करो आप, कितना प्यारा। अंकल जी लेक का नाम क्या है? नहीं देखो आप क्या देंगे, कोई पैसा नहीं दिया इनको हमने। नहीं सही में बोले लेडीज फ्री, हमने तीनों ने पैसे दिया आपको फ्री। फ्री हो या नहीं है, मैं उधर ही थ्री गेट वन फ्री टिकट सोकल में नहीं बचे जिसके लिए उनके एक फ्री। हां बाय थ्री गेट वन फ्री। तो गाइस बड़ा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। बादल मिलने आ गया पानी से। भाई साहब ऐसा है कि हमने अभी यहाँ पे खाया खाना, दुकान का नाम है ऋतुराज शुद्ध शाकाहारी। सर क्या बताऊँ मैं आपको, क्या लाजवाब खाना था। मतलब एक खाना हमने खाया था काठ गोदाम में, उसके बाद अभी खाना खाया यहाँ पे भीमताल में। यही दो जगह हमें खाना टेस्टी लगा जो दो टाइम हमने खाना खाया। उससे पहले खाना खाया हमने नो डाउट, बट वो थी पेट भरने वाली बात। जो आप टेस्ट बोल सकते हो, रूह खुश हो जाती है, तो वो दो ही जगह मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप भीमताल आ रहे हो तो ऋतुराज के पास ज़रूर खाना खाएं। हमने खाया कढ़ाई पनीर, एक तो रायता और मशरूम पुलाव और चपाती गर्मा गर्म घी वाली, मस्त जेन्युइन प्राइस में। नहीं पता चल रहा बाबाजी, सुपर मैं जाओ आप निखिल के साथ।
आप कौन नहीं आएगा बताओ ना अंकल जी आप तो पहले ही हार मानी बाबा मैं तो पहले ही बोला कि अपने को मालूम नहीं तुला से तुला लड़ा राम रावण की तुला राशि राम रावण की लड़ाई हुई अच्छा राम और रावण की राशि एक ही थी तुला तुला से तुला लड़ा कर्क लियो कर्क राशि हनुमान हनुमान को सांट लिया हाँ हनुमान भगवान की राशि के राम है कर्क कुंभ में पांव रखा कुंभ राशि समुद्र जी अच्छा ये हनुमान जी समुद्र में गए कुंभ में पांव रखा हाँ मेष का किया भंग मेष राशि लंका की लंका का नाश कर दिया हनुमान ने इधर अच्छा गाड़ी आ रही है हम काली माता के पुजारी हैं अच्छा तभी आपको इतनी नॉलेज है अंकल जी हमारी उम्र में और आपकी उम्र में 4 गुना फर्क है हमें कहाँ नॉलेज है ना सही बात है ना आजकल के बच्चों को ये सब ज्ञान प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर आई लव यू टू यही सिखा रहे हैं पुराने जमाने में ज्ञान होता था धर्म होता था देखो पहले के टाइम पे पोता दादा के पास बैठता था आज के टाइम पे पोता बैठ रहा है मोबाइल के साथ दादा बैठता है अलग ही वो दूसरी दादी के साथ वो खांस रहा है वहाँ पे अलग तो खांसते खांसते चल जाएगा तो पोता बाद में रोएगा वीडियो बनाएगा लेकिन अगर हम इस जगह में आ रहे हैं एक बात बता रहा हूँ आपने जो ज्ञान दिया मैंने इसको रिकॉर्ड किया ना इसको 10 लोग देखेंगे जरूर लेकिन 2 कोई अपनाएगा अभी ज्ञान को है ना अब ये चीज है कि क्या बोलते हैं कुछ चीजें गलत भी है कुछ चीजें फायदा भी है हर चीज का नुकसान भी होता है फायदा भी होता है अब हम कुछ लोग हमें बोलते हैं आप वीडियो बनाते हो क्यों बनाते हो अगर हम वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं तो आपसे मिल गया वो अंकल जी जो कोई कोने पे खड़े हैं वो आपसे नहीं मिल पाए नहीं। उनसे आपकी वार्तालाप नहीं हुई नहीं। तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी बातें जो शब्द हैं वो सुन लेंगे अच्छा अंकल जी आपसे एक और प्रश्न था वो ये कि जो ये भीमताल है इनका नाम भीमताल कैसे पड़ा दो योद्धा थे योद्धा में लड़ाई हुई एक ने दूसरे को गदा मारा तो गदा उसको नहीं लगा जमीन में लग गया अच्छा भीम का गदे से ये ताल बन गया पानी निकल गया यहाँ ठीक है अंकल जी थैंक यू सो मच इतना सारा ज्ञान दे एक तोहफा देंगे हम आपको 2 मिनट ठीक है सर एक छोटा सा ये है ये तो सबके पास है न कहे तो ना हाँ अंकल आप यहाँ के लोकल हो जी हाँ लोकल कहाँ पे घर है आपका यहाँ से 5-6-7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर पैदल जाना है सर गाड़ी मिल जाएगी तो चले जाएंगे नहीं तो पैदल भी चल जाएंगे तो आपकी उम्र किस कितनी होगी अभी मेरी उम्र 84 84 साल जी हाँ ओहो ये आपका आधार कार्ड वाकई अंकल जी ने सही बोला है अंकल जी का नाम है बोला दत्त 1941 तो आपने तो फिर लड़ाई भी देखी होगी आजादी आपने देखी है वाह अंकल जी ये लो डबल बेड की है अच्छी गर्म है आगे काम लग जाएगी सर्दियों में हम बच्चों को बस अपना आशीर्वाद देना दो योद्धाओं के बीच में लड़ाई हुई तो एक योद्धा ने गदा मारा वो गदा उसको बजा नहीं वो बजा पृथ्वी पे और जहाँ पे बजा वहाँ से पानी निकल गया जिसका नाम है भीमताल वो भीम का गदा था ये है भीमताल खूबसूरती चेक करो इसकी आप तो हमने भीमताल हाँ वही बोला मैंने वहाँ एक्वेरियम है तो हमने बेसिकली बोटिंग वगैरह कर ली हुई है तो हमारा मन नहीं है बार बार करने का कहाँ गए आज़ादी से पहले के बुजुर्ग हैं वो उनका डेट ऑफ बर्थ भी दिखाया उन्होंने मुझे यहीं के रहने वाले लोकल फोटो लगा उनका उसी आधार कार्ड में कौन सा बाबा आंटी तो आपने कंबल नहीं देखा उनके हाथ में या कंबल बेच के
ज़्यादा सामान ना लेते हुए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। हम चलते हैं यहाँ से भीमताल से निकल के, अब जाएंगे नैनीताल। नैनीताल करेंगे आज स्टे, फिर कल घूमेंगे बाकी वाली सारी लोकेशंस, क्योंकि आए चिल करके तो जाएंगे, दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। तो अभी जाएंगे हम नैनीताल, तो रात को करेंगे नैनीताल में ही स्टे, तो वहीं पे करेंगे डिनर वगैरह। तो मॉर्निंग में निकलेंगे, तो आज जो हमारा ब्लॉग है वो हम एंड करेंगे अपने वहाँ पे नैनीताल जाके, जब रूम्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे कनेक्टेड विद अस, नहीं हो सकता, जय माता दी। आपको कुछ तूफानी दिखा दे, गाड़ी में बैठ निखिल, बैठो भी। जी जी, ओजी लोग हैं हम, ओजी ओजी। हम चले हैं भीमताल से, और बादल देख सकते हो आप, धरती पे आ गए हैं। दो रास्ते, एक है कैंची धाम को, ये जा रहा है नैनीताल को, तो हम जा रहे हैं नैनीताल। यहाँ से कितना रह गया होगा, यहाँ से अभी है 12 किलोमीटर। ये इस चौक से 12 किलोमीटर दूर है नैनीताल, और हम जाएंगे नैनीताल। टाइम बज रहा है 3। चार बजे के अप्रॉक्स हम पहुँच जाएंगे नैनीताल में। बादल हमारे सामने गुजर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या नज़ारा होगा देखने का, सोच के ही मन प्रसन्न हो गया। आप लोगों भाई कैसा मौसम है, मस्त है? यहाँ के यहाँ पे गाड़ी रुकवाई, नहीं आपको जरा बैठने के लिए परेशानी हो रही है। देखा ये भैया हूँ तो ऐसे हूँ, देखा कितना सोचते हैं हमारे बारे में। ये हमने अपनी बहन के लिए लिया है, क्या बताओ उसे पसंद आए या नहीं आए। बहन के लिए कुछ ले लिया है, सोचा चलो बहन तो ससुराल चली गई है, लेकिन जब माइक आएगी कुछ तो देंगे, बिल्कुल है ना। और आप व्यू चेक करो भाई साहब, हेलो कोई सुनता है? ये रील वगैरह शूट करने लग गया था सावन। सावन हो गई, बैठो यार बैठो, लेट करा दिया तुमने, बैठो 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 बैठो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम होप सो यही होटल में रुक जाएं, होटल शशि। पारी रख दिया बेचारे को, इसकी बुकिंग हो गई है यार, देखा अभी इतना नीचे उतरना है तो ठीक है ना, ये एक ही व्यू है भाई। ये क्या कर रहे हो यार, यहाँ से कुछ मंगवाना बंदा कैश तो पकड़ लेता है।
आप चलो चलो तो जीवन भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया है होटल सुशी के बाहर। तो हमने रूम ले लिए यहाँ पे दो, तो पहले तो ऊपर थर्ड फ्लोर पे मिल रहे थे बट फिर फाइनली फर्स्ट फ्लोर में एडजस्टमेंट हो ही गई। तो निखिल और आंटी को भेजा रूम में, सब करा पेमेंट। ये मेरा आधार कार्ड से अभी रूम में करेंगे थोड़ी देर रेस्ट स्टे ताकि फ्रेश वगैरह हो जाए। बाकी आंटी जी तो आते ही बैठ गए हैं रजाई में। आंटी जी था ये तो कैसा लगा आपको रूम? उधर है रजाई। रूम कैसा लगा? हमें रजाई दी ही नहीं। हमारा रूम, ये हमारा बेड, साबुन मिले ना आज हमें, टॉवल भी मिला, बाथरूम स्लीपर्स नहीं है। ये देख गीजर, गीजर पानी यहाँ से भाई, ये देख ये यहाँ से। दोपहर के 4 बज रहे हैं, 200 मीटर के बाद विजिबिलिटी खत्म। अब देख ये धर्मशाला, हम आ गए हैं नैनीताल लेक के पास, ठीक है। जो हमारे रूम से जो हमने होटल लिया कम से कम 300-400 मीटर दूर होगी। ये महात्मा गांधी जी सावन काटा से कुछ निकल जाएगा। ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग सावन और उसकी मम्मा उस साइड से गए हैं नैनीताल। अब हम यहाँ पे आपको नैनीताल लेक दिखाते हैं, वहाँ दिखाओ। बोटिंग वगैरह हो रही है, नीचे दिखाओ मछलियाँ। ये देखो इन सब मछलियों में एक मछली कलर डाली है, देखो खाने की तलाश में। देंगे किनारे एक छोटा सा ये पार्क है, मतलब आई थिंक झील को घूमने के लिए सराउंडिंग से कवर किया गया है। झील तो बहुत बड़ी है, इसका चक्कर तो नहीं लगेगा। बाकी निखिल मिल गया हमें, निखिल तो मेरे साथ ही था, सावन और आंटी यहाँ है। सावन और आंटी चांदनी चौक एक रेस्टोरेंट है, अंदर एक स्टैचू पड़ा गया, बुला रहा है हमें खाने पे। भैया ये है मॉल रोड, स्टार्ट हो गया, जैसे शॉपिंग वगैरह करनी है कर सकता है। शोरूम पीछे डोमिनोज भी था। वैरायटी देखो कितनी है, लेने किसके लिए है। ये इवनिंग व्यू है माल रोड का। चलें फिर डिनर वगैरह तो हो गया। गाइस वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं माल रोड वगैरह नैनीताल वगैरह घूम के और डिनर वगैरह करके। तो आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अब हम थक भी गए, सोएंगे, फिर सुबह जाएंगे नई नई डेस्टिनेशन पे। व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है बट मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।